पढ़ेंगे कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी पार्ट एक। पार्ट एक का नाम है प्रार्थना। उसके रिक्त स्थान अभी बताऊंगी मैं आपको और प्रश्न उत्तर शब्दार्थ आपको लिखवा दिए, उनका भी अभ्यास करते रहना है आपको, अपनी कॉपी में लिखना भी है। अगला है आपका रिक्त स्थान, खाली स्थान भरी। पहला है प्रभु तेरा कि मैं भारत में रहता हूँ, तो इसका रिक्त स्थान में क्या आएगा, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। ये पंक्ति अपनी प्रार्थना जो है उसमें आई भी है, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। कि प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा मानू, मातृभूमि अपनी जन्मभूमि है, अपनी जो भूमि है मातृभूमि है, इसके प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा मानू। तीसरा है भारत के जल अन्न माटी में पलता हूँ, भारत यानी जल पवन अन्न माटी में मैं पलता हूँ। अब इसके बाद है निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग करना यानी शब्द अपने सामने है उससे क्या बनाना है आपको, वाक्य रचना पूरा एक वाक्य बनाना है। वर्ण यानी सिर्फ एक वर्ण होता है, अ प च च है सिर्फ, वो क्या है अपना वर्ण है। और ये उपकार है अपने सामने तो ये क्या बन गया, ये शब्द बन गया। शब्द इस उपकार से, ये उपकार उस वाक्य के बीच में आए, ऐसा अपने को क्या बनाना है, एक वाक्य बनाना है। तो उपकार से क्या वाक्य बनेगा, मुझ पर प्रभु का उपकार है, क्या है, मुझ पर प्रभु का उपकार है, भगवान ईश्वर का उपकार है। अगला है वाक्य आपका शब्द सपना, सपना शब्द है, इससे क्या बनाना है आपको, एक वाक्य बनाना है। आज मैंने बहुत सुंदर सपना देखा, अपन भी सपना देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, तो उससे भी अपन एक वाक्य बना सकते हैं, वो वाक्य बन गया अपना, आज मैंने बहुत सुंदर सपना देखा। मातृभूमि तीसरा क्या है, मातृभूमि, मेरी मातृभूमि से मुझे प्यार है, अपनी जो मातृभूमि अपनी जो जन्मभूमि इससे अपने को क्या है, मुझे प्यार है। पवन, पवन जो हवा है वो कैसे चलती है, तो पवन मंद मंद बहती है, पवन के ऊपर एक वाक्य बनाना है, तो वाक्य क्या बना अपना, पवन मंद मंद बहती है चलती है। माटी, भारत की माटी उपजाऊ है, क्या ये भारत की माटी उपजाऊ है। इसके बाद अगला है आपका समान अर्थ वाले शब्द की जोड़ी बनाई है, जोड़ी इसी में बनाना है आपको, समान अर्थ वाले इससे समानार्थी शब्द है उसको मिलाकर आपको जोड़ी कंप्लीट करना है, इसमें एक बना के बताई हुई है। आँख, आँख का समानार्थी क्या है, नयन। उसी प्रकार समानार्थी शब्द तो समझ में आ रहा ना, किसे कहते हैं अपन समानार्थी शब्द, इसका और एक शब्द से अधिक शब्द बनते हैं उससे समान अर्थ निकलने वाले। प्रभु, प्रभु का ईश्वर, पवन का वायु, सुबह का प्रातः और जल का पानी, है ना, क्या है, जल का पानी, ये क्या है, समानार्थी शब्द से आपको सही जोड़ी बनाना थी, ये भी बनाना है आपको। अगला है निम्न शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए, ऊपर विलोम शब्द दिए गए हैं, नीचे शब्द भी हैं, तो उनके विलोम शब्द जो ऊपर दिए गए इनमें से किसका कौन सा सही आएगा वो आपको क्या करना है, छांट कर इसमें लिखना है। अपना, अपना का दुख, अयोग्य, पराया, ऐसा चार शब्द आपके सामने हैं, कौन सा आएगा, अपना का पराया, विलोम यानी उसका विपरीत शब्द, पराया। सुख का, सुख का उल्टा क्या होगा, दुख। सुबह का, सुबह का क्या आएगा, विलोम। शाम, योग्य क्या, विलोम, अयोग्य। ठीक है, इतना मैंने बता दिया आपको, अब ये भी आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारना है और इनका अभ्यास भी करना है। धन्यवाद।